22 अप्रैल को हमारा विश्व पृथ्वी दिवस का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की ओर से आप सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। इस अवसर पर हमें याद करना चाहिए इस पृथ्वी से हमें क्या क्या मिलता है, हमारा खाना, कपड़ा, मकान और क्या क्या चीज़ इस पृथ्वी से मिलता है, उसको लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए और हम इस पृथ्वी को कुछ हमारे तरफ से भी कुछ देना चाहिए। आज मैं यहाँ पर हम सभी सबसे इम्पोर्टेंट हमारे बच्चों से भी और जितने भी यहाँ पर हमारे नागरिक हैं, हम सभी लोगों को एक संकल्प लेना चाहिए इस पृथ्वी को हम सुरक्षित, इस पर्यावरण को कैसे हम ग्रीन पर्यावरण को हम मेंटेन कर सकें, इसके लिए हमें संकल्प लेना चाहिए। इस अवसर पर हमारे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की तरफ से हम तीन मुख्य चीज़ में, पृथ्वी से संबंधित चीज़ में हम काम करते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे मौसम विभाग के माध्यम से मौसम की जानकारी प्राप्त करते हैं और साथ साथ हाइड्रोग्राफी के मामले में ओशन के बारे में हमारे पूरा सूचना हमारे साइंटिस्ट इसमें काम करते हैं। तीसरा, भूकंप के बारे में हमारे वैज्ञानिक जियोलॉजी के बारे में जो है इसमें काम करते हैं। हमारे जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के माध्यम से हम हमारे किसान और फिशरमैन सभी लोगों को हम जानकारी देते रहते हैं और इस अवसर पर हमारे साइंटिस्ट जितने भी लोग इसमें काम कर रहे हैं उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। हम सभी लोग मिलकर उनको सहयोग करें ताकि हम इस पृथ्वी को सुरक्षित रखें, आगे आने वाले वर्ष के लिए जो है इसको हम सस्टेनेबल वे में हम जो भी चीज़ हम ले रहे हैं उसके लिए हमें एक संकल्प लेकर, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार हमें कहा था, इसमें रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, 3R प्रिंसिपल हम लोगों को इसको फॉलो करना चाहिए। आप सभी को मैं पुनः जो है बधाई देना चाहता हूँ। इस अवसर पर आप सभी लोगों को धन्यवाद। थैंक यू।